Okay, good evening. So let's start the class. Welcome you all. Welcome you all in an Academy special class as well as YouTube also. Let me check if it is also working right now on the YouTube. Good evening, good evening. Okay, so now it is live on both the platform. So now we can get, okay, great. Good evening, good evening. चलिए तो क्लास स्टार्ट करता हूँ मैं. So first of all, little bit introduction about myself. I am Mudit Raj. I have been teaching for last 9-10 years for different competitive exams like CSE, ESE, GATE and PSU. And my expertise is in engineering mechanics, dome, SOHM, machine design and the fluid mechanics. All the design subject. As you can see, my M.Tech is in design engineering from IIT Delhi. B.Tech is in mechanical engineering. Okay, so all of you can follow me now on Academy. So I am right now plus educator on Academy plus platform. Okay, recently I have completed the 1 million view on it. Here mainly we are talking about GATE and ESE syllabus. Okay, GATE and ESE competitive exam. So I told you that this syllabus is actually common for many competitive exams, which are nearly same as that of GATE and ESE. So all other competitive exam you can crack with the same syllabus. So बार बार कई सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करने की नीड नहीं रहती है. तो जो लोग इसको फुल हार्डली प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं पूरा प्रॉपर गाइडेंस के साथ, तो वो अपना सब्सक्राइब करा सकते हैं. सब्सक्रिप्शन का जो प्रोसेस है वो क्या है, आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना रहता है प्ले स्टोर से. उसके बाद ये ऐप जैसे ही डाउनलोड करेंगे आपको यहाँ क्लासेस फैकल्टी सब कुछ दिखने लग जाता है. यहाँ पर आप अपना गोल सेलेक्ट करेंगे गेट एंड ESE, क्योंकि अनअकैडमी जो प्लेटफॉर्म है दैट इज फॉर मेनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स. IIT JEE भी है, नीट भी है, UPSC, IAS भी है. आप अपना गोल यहाँ गेट ESE सेलेक्ट करेंगे. उसके बाद यहाँ आप सर्च करेंगे मेरे नाम से, मेरे प्रोफाइल पर पहुँच जाएंगे. और उसके बाद आप किसी भी कोर्स पर क्लिक करेंगे, पेड कोर्स पर, तो आपको ऐसे फी का ऑप्शन दिखने लग जाएगा. तो 1 ईयर का जो फी है वो आपका 12 मंथ्स का जो फी है वो 25,000 है. इसमें आप कोड यूज़ करेंगे मेरा MR लाइव, तो आपका फीस बचेगा ओनली 22,500. दिस इज़ गुड फॉर फोर्थ ईयर स्टूडेंट एंड पास्ड आउट स्टूडेंट एंड वर्किंग कैंडिडेट्स. ओके, 1 ईयर. 2 ईयर प्रोग्राम इज ऑल्सो देयर. आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन भी कर सकते हैं. 2 साल तक आप सारे कोर्सेज कर पाएंगे, सारे फैकल्टीज से पढ़ पाएंगे. आप कोड यूज़ करेंगे MR लाइव और आपका फ़ी बचेगा 27,000. तो 1 ईयर का फ़ी और 2 ईयर के फ़ी में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है. तो 2 ईयर में काफ़ी बेनिफिट है जो 3rd ईयर के स्टूडेंट हैं, बिकॉज वी बिलीव दैट इफ़ यू स्टार्ट फ्रॉम राइट टाइम, 3rd ईयर और 2nd ईयर स्टूडेंट जो हैं, if you will start from right time then it will be for you. So 3rd year, 2nd year जो है इनके लिए 2 year subscription is best. तो 3rd year जो है वो best time start करने का भी है आपका preparation. आप अपना 5th semester जो अभी start होने वाला है, 5th और 6th semester लगा के आप अपना syllabus complete कर सकते हैं. ठीक है, by this common syllabus you can crack many or multiple competitive exams. Okay, 7th semester में सिर्फ और सिर्फ आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस एंड योर रिवीजन एंड योर टेस्ट सीरीज, दैट्स इट. ठीक है, 8th semester में जाके आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे. जनवरी ऑनवर्ड्स आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं. जनवरी में ESE का प्रीलिम्स रहता है जनरली. ठीक है, अभी ये 1-2 महीने थोड़े बहुत पोस्टपोन्ड होंगे, एग्जाम डेट चेंज होंगी. फिर आपका जून में जाके, इधर मई जून में जाके ESE का मेंस रहता है.
है ना, ये आप कर सकते हैं। फैब में आपका गेट का एग्जाम रहता है, इसके बाद जो भी फैब के बाद आएंगे पीएससी वो सारे एग्जाम आप दे पाएंगे। कटिंग पॉइंट ऑन, ये कुछ कोर्सेस हैं, यू कैन सी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और थ्योरी ऑफ मशीन। आज वाइब्रेशन भी कंप्लीट कर दिया मैंने, इसमें थ्योरी ऑफ मशीन कंप्लीट हो गया है और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इज गोइंग ऑन। तो कल या परसों से मैं इसमें स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का लास्ट चैप्टर स्टार्ट करूँगा। तो आज अपना टॉपिक है प्रॉब्लम्स ऑन बार्स इन सीरीज एंड पैरेलल, बार्स इन सीरीज एंड पैरेलल। ओके, सो बार्स इन सीरीज हम लोग कर चुके हैं और बार्स इन पैरेलल आज देखते हैं और फिर इस पे अपन क्वेश्चंस भी करेंगे। ओके चलिए, कितने लोग आ गए हैं? आई यूज टू टॉक इन इंग्लिश 70-80% टाइम। आपको इंग्लिश में इतना दिक्कत नहीं होगा, हिंदी इंग्लिश। आई यूज टू टॉक 70-80% इन इंग्लिश, यू कैन सी माई ऑल वीडियोज। ओके, बट 100% इंग्लिश आई कैंट गो। ओके, बिकॉज मैनी हिंदी बेसिस पीपल आर ऑल्सो देयर। ओके, सो दिस विल बी दी। ओके चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। उसको जरा मैं बैकग्राउंड ब्लैक कर देता हूँ, उधर आपके आंखों पे और हमारी आंखों पे स्ट्रेन नहीं पड़ेगा ना। चलिए, ओके, सो ऑल ऑफ यू रेडी, स्टार्ट किया जाए भाई। कितने लोगों ने ज्वाइन कर लिया? यूट्यूब, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। चलिए तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। इन दिस क्रैश कोर्स वी आर कवरिंग इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। तो हम लोग बार्स इन सीरीज कल कर चुके हैं, टुडे बार्स इन पैरेलल। फिर इसके बाद देखते हैं इसके प्रॉब्लम्स। तो बार्स इन पैरेलल कैसे अटैच किया जाएगा? ओके, तो बार्स इन पैरेलल में जो है, लेट्स से मैं कोई दो बार ले लेता हूं, इसमें भी हमारे दो केस बनेंगे। पहला ले रहा हूं मैं कि दोनों बार्स की लेंथ इक्वल है, दोनों बार्स की लेंथ इक्वल है और इसको एक फिक्स सपोर्ट से ऐसे कनेक्ट कर दिया गया है लाइक दिस। और इधर भी आपने, दिस साइड ऑल्सो यू हैव अटैच्ड ए प्लेट लाइक दिस और उस प्लेट को पकड़ के आप पुल करेंगे। यू विल पुल दिस प्लेट बाय सम फोर्स पी एंड योर अजम्पशन विल बी व्हाट, दैट दिस प्लेट विल नॉट गेट टिल्टेड। ओके, हियर यू विल अप्लाई द लोड लाइक दिस on this plate. So this is bar one, let's say, okay, first bar, and this is, let's say, second bar. कोई जरूरी नहीं है कि ये यहाँ एक दूसरे से कनेक्टेड हों या चिपके हुए हों। they are not here connected. ध्यान रखना, अगर ये connected हो जाएगा तो फिर तो ये क्या बन जाएगा, इफ इट इज कनेक्टेड देन इट विल बिकम कंपोजिट बार। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द कंपोजिट बार्स हियर। ओके, सो दीज आर नॉट ग्लूड हियर। सो दिस पिक्चर यू कैन ऑल्सो ड्रॉ लाइक दिस, आप ऐसे भी बना सकते हैं इस पिक्चर को, लाइक
one bar is here and second bar is here. So this is the same case actually. The same case actually. Here you will put a plate like this, and your assumption will be what? When you are pulling this plate will remain horizontal. This plate will remain horizontal. Okay. So this is your bar 1. This is your bar 2. This is your bar 2. So it is not necessary that there will be no gap. They are like this, not connected to each other. Not connected to each other. This is first bar. This is second bar. This is first bar. This is second bar. There can be third picture also for this. ये आपको समझना बहुत जरूरी है कि ये कैसे कनेक्टेड रहते हैं, बुक्स में क्या करते हैं, सही पिक्चर नहीं बनाते हैं. दैट्स वाई ऑल स्टूडेंट्स आर ऑलवेज कंफ्यूज. दैट्स वाई ऑल स्टूडेंट्स आर ऑलवेज कंफ्यूज. इवन फ्यू फैकल्टीज आर ऑलवेज कंफ्यूज. ये वो क्या रहा है. इन दिस केस व्हाट इज देयर, देयर इज ए सॉलिड बार इनसाइड. There is a solid bar inside like this. Okay. So inside this is a bar, or you can say shaft. And outside there is a tube. It is hollow tube. Outside it is a tube. So figure is clear, na? This inside bar is surrounded by the tube. This inside bar is surrounded by the tube. So figure is clear, na? Figure is clear, huh? Okay, so on the board you cannot draw these figures so much neat and clean. That's why this platform is needed. Agar question mein figure hi clear nahi hoga, then aage further acche se kaise main explain kar paunga. So here also these both will be attached with a disc like this also. Oh, okay. And I will pull this disc here with force P, let's say, like this. Getting the point or not? Like this. Okay. So this time, this is inside solid bar, solid bar. And outside, this is tube, or you can say hollow shaft. One is solid shaft and outside is hollow tube. ठीक है ना, outside is hollow tube. अभी इसको मैं 1 मान लेता हूं और इसको मैं 2 मान लेता हूं. ये पूरा ट्यूब है. तो ये फिगर सबसे पहले आपको क्लियर रहना चाहिए कि भाई एक हॉलो शाफ्ट में एक सॉलिड शाफ्ट अंदर है. क्लियर है ना. This is my 1, this is my 2. अभी यहां assumption देखो क्या क्या है. Initial length is same. Initial length is same. दोनों बार का initial length जो है वो same है. So length of both the bar is same. L1 equal to L2 equal to L. इसका एरिया क्या होगा, A1 क्रॉस सेक्शनल, और यंग्स मॉडुलस इज लेट से E1. इसका एरिया क्या है, A2, यंग्स मॉडुलस क्या है, E2. ओके, हेयर ऑल्सो इसका एरिया क्या है, E1, यंग्स मॉडुलस E1, एरिया है A2, यंग्स मॉडुलस है E2. Here for 1, area is A1, Young's modulus E1. Hollow के लिए area is A2. Hollow का area क्या बनता है, pi by 4 outer dia square minus inner dia square. समझते हैं बात को, ठीक है. So this is how you can see all these three cases will be same. Initial length in same and two bars in parallel. One bar, two bar, one bar, two bar, one bar, two, one bar and two
It's a hollow shaft. Hollow shaft. Yes or no? So, क्या आप लोग कमेंट करते हो? कोई बोलता है फास्ट पढ़ाओ, कोई बोलता है स्लो पढ़ाओ. देखो मैं किसी एक इंसान को तो पढ़ा नहीं रहा हूं यहां पर, थोड़ा बात को समझा करो. आप फास्ट हो तो ऐसा नहीं है पूरी जनता फास्ट है, आप स्लो हैं तो ऐसा नहीं पूरी जनता स्लो है. और पढ़ाना कैसे है वो मेरे पे छोड़ दीजिए. अगर मेरे सामने 500 लोग बैठे होंगे मैं 500 तरीके से तो नहीं पढ़ा पाऊंगा, ठीक है. एंड आप लोग थोड़ा सा ये चीज सीखो. डोंट ट्राई टू टीच द टीचर हाउ टू टीच, ठीक है. हर फैकल्टी का अपना एक पढ़ाने का तरीका रहता है. आप लोग कुछ भी कमेंट करते हैं. कल भी मैसेज एक दो स्टूडेंट के आए, सर मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, आप बहुत ज़्यादा पढ़ाते हैं, आपकी क्लास लंबी रहती है बहुत, और मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के स्टूडेंट को तो सब पता है, वो जल्दी जल्दी कर लेते हैं, थोड़ा स्लो पढ़ाया करिए. अब बताइए अभी आप फर्स्ट ईयर में हैं, आपका जॉब ज़्यादा ज़रूरी है या जो फाइनल ईयर पास आउट हो गया बेचारा उसको जॉब ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसकी हेल्प इस समय करना मेरा ज़्यादा एक वो बनता है. अभी आप फर्स्ट ईयर में हैं, अभी आपके पास 3-4 साल है, तो हर कोई सजेशन देता है अपने अपने. अगर 500 लोग हैं मैं 500 तरीके से तो नहीं पढ़ा सकता, तो थोड़ा कोशिश किया करो, हैव सम पेशेंस. सभी के लिए कह रहा हूँ, किसी एक को नहीं कह रहा हूँ मैं. ये चीज़ें थोड़ी सी अपने अंदर डेवलप करो आप लोग. मैं किसी एक इंसान को नहीं पढ़ा रहा हूँ यहाँ. और कैसे पढ़ाना है, किस चीज़ को ज़्यादा देर तक बताना है, किस चीज़ को कम बताना है, कौन सा टॉपिक ज़्यादा एग्जाम में आता है, कौन सा टॉपिक कम एग्जाम में आता है, वो सब हमें पता है. दिस इज आवर एक्सपीरियंस. ओके, सो लेट मी टीच, यू शुड फॉलो. ओके, सो ऐसी चीज़ें मत किया करो, थोड़ा सा पेशेंस रखा करो. मुझे पता है अभी ये चीज़ जल्दी बना के चल दूंगा ना, अभी यही चीज़ बाद में फिर डाउट में 50 बार पूछेंगे आप लोग. ऐसी चीज़ें मत किया करो, थोड़ा पेशेंस रखा करो. पढ़ने का भी एक तरीका होता है, पढ़ाने का भी एक तरीका होता है. चलिए, किसी एक को नहीं कह रहा हूँ, सबको कह रहा हूँ. बहुत से लोग मैसेज करते हैं, बहुत बच्चे मैसेज करते हैं. आई कैन शो यू ऑल चैट. सो थोड़ा सा आप लोग ये चीज़ चेंज करो अपने अंदर. ओके, तो पहले आप बात समझिए टॉपिक क्या चल रहा है. टॉपिक है बार्स इन पैरेलल, जिसमें पहला केस लिया हुआ है इनिशियल लेंथ इज सेम. तो देखो यहाँ पर लेंथ ऑफ फर्स्ट बार, लेंथ ऑफ सेकंड बार, ये सेम है, इस केस भी सेम है और इस केस में भी सेम है. तो मैंने आपको ये समझा रहा हूँ, जो बुक्स में नहीं बना रहता है, इस चीज़ को समझो. बुक्स में इस तरीके से बना देते हैं तो कई बार हमको लगता है ये यहाँ पे कनेक्टेड है, तो बात को समझो, ये कनेक्टेड नहीं है. इनकी आपस में से वेल्डिंग नहीं कर दी है, इसे वेल्डिंग कर देंगे तो कहानी अलग बन जाएगी, वो कंपोजिट बार बन जाएगा. गेटिंग द पॉइंट ऑर नॉट? सो इट इज़ नॉट कंपोजिट बार, दीज आर टू सेपरेट बार्स. तो अलग अलग भी बना देंगे तो भी चलेगा, तो भी चलेगा. ओके, और ऐसे एक साथ बनाया, ये अंदर एक सॉलिड शाफ्ट है, सॉलिड बार है, और बाहर ये एक ट्यूब है ना, हॉलो शाफ्ट है. ये दोनों कोसेंट्रिक हैं, ठीक है. तो ये इसका जो डाया होगा वो इसके इंटरनल डाया के बराबर होगा. तो सॉलिड शाफ्ट का आउटर डाया हॉलो शाफ्ट के इंटरनल डाया के बराबर ले लिया. यहाँ भी गैप हो सकता है, देयर कैन बी गैप, तब भी सेम ही प्रोसेस होगा, कोई डिफरेंट प्रोसेस नहीं होगा. गेटिंग पॉइंट ऑन नॉट? ओके, सो नाउ कम टू दिस. सो ऑल दीज थ्री केसेस आर सेम एंड यू टेक ए प्लेट हेयर एंड यू आर पुलिंग दिस प्लेट इन ऑल थ्री केसेस. And your assumption is what? This plate should remain horizontal. Okay? ये assumption है हमारा. It is assumed. तभी हम सॉल्व कर पाएंगे. मैंने आपको बोला हम सारी प्रैक्टिकल सिचुएशन सॉल्व नहीं कर पाते हैं, हम एक हद तक ही सॉल्व कर पाते हैं. तो हम ये मान रहे हैं
कि जब मैं इसे पुल करूंगा तो जब ये प्लेट यहां पर पहुंचेगी इट विल रिमेन हॉरिजॉन्टल। अब होगा तो क्या, ये मान लो इवन है मटेरियल, मान लो हल्का मटेरियल है और ये तगड़ा मटेरियल है। इफ दिस इज मोर हैविंग मोर स्ट्रेंथ, इट इज हैविंग लेस स्ट्रेंथ, एरिया लेट्स से बोथ हैव सेम लेंथ इज सेम, देन एलोंगेशन इन दिस इज परमिटेड मोर। तो हो सकता है दिस प्लेट विल गो लाइक दिस, इफ दिस साइड एलोंगेशन विल बी मोर, दिस साइड एलोंगेशन विल बी लेस, प्लेट कैन टिल्ट, प्लेट कैन टिल्ट, यस ऑर नो? बट वी आर अज्यूमिंग हेयर प्लेट शुड रिमेन हॉरिजॉन्टल फॉर सिंप्लीफाइंग द प्रॉब्लम, वी आर अज्यूमिंग दैट दिस प्लेट विल बी हॉरिजॉन्टल फॉर द पॉइंट। सो वेन दिस प्लेट विल रीच एट दिस पोजिशन, न्यू पोजिशन, सो दिस विल बी लेट्स ए डेल्टा, दिस विल बी लेट्स ए डेल्टा, इलोंगेशन इन बोथ द बार्स। ओके, सो वेन बार्स आर इन पैरेलल, elongation in all three cases should be same, elongation in all three cases should be same, delta delta delta, got the point or no? And case one we are considering that initial length is also same. So first equation will be what, l1 equals to l2 equals to l, second equation delta 1 equals to delta 2 equals to delta, okay, delta. Third equation will be what, third equation will be what, if I draw the FBD of plate, if I draw the FBD of plate, so FBD of plate kya hoga, you are applying force P downward, when it will elongated, bars are elongated by delta, so plate will come down by delta amount. So let's say first bar is applying P1 force on it and second bar is applying P2 force on it, and this plate will become in equilibrium after moving distance delta. So for the plate you will write what, P will be equal to P1 plus P2. So total load P will be managed by both the bars, पूरे लोड पी का दोनों बार कुछ कुछ मैग्नीट्यूड जो होंगे वो बैलेंस करेंगे। मान लो ये पी वन से बैलेंस करेगा, ये पी टू से बैलेंस करेगा, फॉर द पॉइंट ऑफ नॉट, सो नॉट आई एम टेकिंग दिस इक्वेशन आउट। तो अपना क्या है, डेल्टा शुड वन शुड बी इक्वल टू डेल्टा टू। ओके, हेयर व्हाट विल बी डेल्टा वन, डेल्टा वन विल बी पी एल बाय ए ई, सो पी वन L1 by A1 E1, ये फॉर्मूला है, वी हैव ऑलरेडी डन दी फॉर्मूला। सेकंड में क्या होगा, P2 L2 by A2 E2, होगा कि नहीं होगा? सो इफ लेंथ आर सेम, सो लेंथ आई कैन कैंसल आउट बिकॉज लेंथ आर कंसीडरिंग वी सेम, सो दिस विल बी व्हाट, P1 अपॉन P1 अपॉन P2, आई कैन राइट A1 by A2 into E1 by E2. Yes or no? So this will be my formula. This will be my formula. Okay. A1, A2, E1, E2 will be given to you in the question. So in P1, P2, this is the first equation. P1, P2 equals to P. And in P1, P2, this will be your second equation. So with the help of these two equations, you can solve from equation 3 and 4. From equation 3 and 4, you can find the value of P1 and P2. Solve kar sakte hain ki nahin? Two equation to a non, P1, P2 value can be known. Phir jab P1 mil jayega, then you can find the sigma 1, P1 by A1. You can simply find how much stress will be there in first bar, then how much stress will be there in second bar. Yes or no? बन जाएगी ना बात? और P1, P2 जब मिल जाएंगे तब आप delta 1 और delta 2 भी calculate कर लेंगे. You can also calculate the delta 1 and delta 2. So you can calculate delta 1 and delta 2 also.
पी मालूम चल जाए, एल ए ई विल बी गिवन टू यू, सो यू कैन ऑल्सो फाइंड डेल्टा वन एंड टू. इफ यू कैन फाइंड डेल्टा वन एंड टू देन ऑल्सो यू कैन फाइंड स्ट्रेन इन वन. सो स्ट्रेन इन वन विल बी वॉट, डेल्टा वन बाई एल वन. स्ट्रेन भी आपको मिल जाएगा, डेल्टा टू विल बी इक्वल टू, सॉरी एप्सिलॉन टू विल बी इक्वल टू दिस. यस सर. तो दोनों बार में स्ट्रेस मिल गया, दोनों बार में स्ट्रेन मिल गया, दोनों बार में इलोंगेशन मिल गया. तो अपना मेन मुद्दा क्या रहता है, हाउ टू फाइंड लोड इन डिफरेंट बार्स. तो सीरीज में भी यही कर रहे थे हम, एफ बी डी बनाते थे और किस बार में कितना फोर्स होगा ये पता करते थे. यस अनु. तो ये अपना एक केस हो गया. व्हाट वाज दिस केस, इट दिस केस वाज बार्स इन पैरेलल एंड फर्स्ट कंडीशन इनिशियल लेंथ इज सेम. So for initial length same, your formula will be like this. You will solve by this formula. So from this, you can also write one more formula here. This P1 by A1 I can write as sigma 1. Yes or no? And this P2 by A2 I can write as sigma 2. So what will be sigma 1 by sigma 2 from here? This is sigma 1. Upon E1 equal to sigma 2 upon E2. So sigma 1 by sigma 2 will be equal to E1 by E2. Yes or no? So this equation I can also write for the relation between both stresses. Samajh aaya ki nahi aaya? Samajh aaya itna sabhi logon ko? Yes or no? Boliye. This was first simple case. This was first simple case. ओके पी वन पी टू इज इंटरनल फोर्सेस. यस पी वन पी टू आर इंटरनल फोर्सेस ऑन द बार, बट व्हेन यू आर ड्रॉइंग द एफबीडी ऑफ प्लेट, सो फॉर प्लेट दे आर एक्सटर्नल. नाउ इंटरनल एक्सटर्नल कैसे डिसाइड करते हैं, आई हैव टॉट इन मैकेनिक्स. ओके आपका एफ बी डी कैसे बनेगा, ये प्लेट है, ये बार वन है, ये बार टू है और ये सपोर्ट है. यहाँ पी वन लगाया, यहाँ सॉरी पी लगाया, यहाँ क्या लगेगा पी वन, यहाँ क्या लगेगा पी टू. उतना ही पी वन बार में होगा ऐसे, उतना ही पी टू बार में होगा. बार रेस्ट में है तो बार में पी टू यहाँ होगा, उतना ही पी वन यहाँ होगा. वो पी वन यहाँ सपोर्ट पर और वो पी टू यहाँ सपोर्ट पर पहुँच जाएगा. तो सपोर्ट पर पी वन प्लस पी टू टोटल लोड पी ही लग रहा होगा. कटिंग पॉइंट ना, दिस इज कंप्लीट एफ बी डी. सो इस बार में कितना लोड है पी टू, इस बार में कितना लोड है पी वन. तो इसमें स्ट्रेस कितना होगा पी वन बाई एरिया, इसमें स्ट्रेस कितना होगा पी टू बाई एरिया. चमका, ये चमक गया सबको. ओके वेरी गुड. सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व फर्स्ट सिंपल केस व्हेन बार्स इन पैरेलल एंड लेंथ्स आर इक्वल. Lengths are equal. Okay. Now I am going to take second case when lengths will not be equal. When lengths will not be equal. Case 2. Initial length are not equal. Initial lengths are not equal. Or bar kisme hai? Bars पैरेलल में है, बार्स इन पैरेलल. कैसे फिगर बन सकता है भाई इसका, इसका फिगर ऐसे बन सकता है, ये एक बार हो गया और ये दूसरा बार हो गया. दोनों पर एक प्लेट लगा दी यहाँ पर, ठीक है, दोनों पर एक प्लेट लगा दी यहाँ पर, ये बार यहाँ फिक्स कर दिया और ये बार यहाँ फिक्स कर दिया. बताइए समझ में. And this plate is there like this. This is bar 1 and this is bar 2. This is bar 2. Okay? So here you will apply P force like this. P force like this. So bar 1 matlab area A1, length L1, Young's modulus E1. For bar 2, area will be A2, Young's modulus will be E2, length will be L2. So this time length are not equal, L1 is not equal to L2.
वो आपस में यहाँ टच भी हो सकते हैं दोनों बार, बट दे विल नॉट बी कनेक्टेड। यही फिगर जरा बताओ, क्या सॉलिड एंड हॉलो के लिए भी बन सकता है कि नहीं? सॉलिड एंड हॉलो के लिए भी बन सकता है कि नहीं? बन सकता है। मान लो ये आपका हॉलो शाफ्ट है, लेट्स से दिस इज हॉलो शाफ्ट एंड दिस हॉलो शाफ्ट इज फिक्स्ड हियर, दिस हॉलो शाफ्ट इज फिक्स्ड हियर, ओके, दिस इज हॉलो शाफ्ट लाइक दिस, दिस इज ए हॉलो शाफ्ट लाइक दिस, ओके, इट इज फिक्स्ड हियर। सेकेंड आई एम अज्यूमिंग द सॉलिड शाफ्ट, सॉलिड शाफ्ट इज इनसाइड इट, इस बार मैं इनके डाया कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट टचिंग देयर सरफेसेस, आई एम कंसिडरिंग डिफरेंट सरफेस। फिगर समझ पड़ रहा है ना? फिगर इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? फिगर समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला है ये हॉलो, पहला कैसा है? हॉलो, ओके, एंड सेकंड वन इज सॉलिड, दिस इज सॉलिड, देयर इज ए डिस्क लाइक प्लेट हेयर, आई कैन अटैच ए प्लेट हेयर, ऑन दैट आई विल अप्लाई द फोर्स पी। तो दोनों एक साथ खींचेंगे, तो इन दिस केस ऑल्सो द डेल्टा फॉर बोथ बार विल रिमेन सेम, डेल्टा फॉर बोथ बार विल रिमेन सेम, बोथ विल कम डाउन बाई सेम, ओके, बट इनिशियल लेंथ्स आर डिफरेंट, एल वन इज नॉट इक्वल टू एल टू, क्लियर है जी? हेयर ऑल्सो देर विल बी अजम्पशन दैट दिस प्लेट विल रिमेन हॉरिजॉन्टल, प्लेट विल रिमेन हॉरिजॉन्टल, ओके, प्लेट विल रिमेन हॉरिजॉन्टल। इस बार हम लोग क्या अप्लाई करेंगे? पहला इक्वेशन होगा, फर्स्ट इक्वेशन L1 इज नॉट इक्वल टू L2, सेकेंड इक्वेशन डेल्टा वन विल बी इक्वल टू डेल्टा टू एंड लेट्स से डेल्टा, थर्ड इक्वेशन P विल बी अगेन इक्वल टू P1 प्लस P2। कैसे? फिर से आप प्लेट का FBD बनाएंगे तो सेम रहेगा कि नहीं रहेगा? सेम रहेगा कि नहीं रहेगा? P इक्वल टू P1 प्लस P2 फ्रॉम द FBD ऑफ प्लेट। नाउ आई विल टेक दिस आउट, दिस टाइम डेल्टा वन इज इक्वल टू डेल्टा टू, है ना? हेयर डेल्टा वन विल बी P1 L1 by A1 E1 एंड दिस विल बी P2 L2 by A2 E2। दिस टाइम यू कैन नॉट कैंसिल द लेंथ, इस बार लेंथ कैंसिल नहीं हो सकता बिकॉज लेंथ्स आर नॉट इक्वल। तो हेयर व्हाट विल बी द रेशियो? P1 by P2, सो P1 दिस साइड, P2 दिस साइड, दिस टाइम इट विल बी A1 E1 एंड L2 by L1, here it will be A2, here it will be E2, so A1 by A2, E1 by E2 into L2 by L1 will be also there, yes or no? This will be your fourth equation. Again you got two equation in P1 and P2, you got two equation in P1 and P2, so with the help of this and this equation you can find the P1 P2. From third and fourth equation, two unknown, two equation, you can find P1 and P2. You can find P1 and P2. Yes or no? मिल जाएगा? P1 P2 मिल जाएगा तो sigma one sigma two भी निकाल दो। Stress आ जाएगी, stress आ जाएगी, strain भी आ जाएगी, strain भी आप find कर दो। ठीक है? और दोनों में delta one equal to two, दोनों अलग अलग पता करो, डेल्टा वन एंड डेल्टा टू, दोनों का वैल्यू सेम मिलेगा आपको, यू विल फाइंड सेम वैल्यू, दे मस्ट बी सेम। पिछले केस में भी जब आप डेल्टा वन डेल्टा टू फाइंड करेंगे दे विल बी सेम वैल्यू, इनको सॉल्व करो दे विल बी सेम वैल्यू, यस नो? इतनी कहानी हो गई। यहां भी मैं एक अलग से इक्वेशन लिख सकता हूं स्ट्रेस के लिए, दिस विल बी सिग्मा वन, तो सिग्मा वन
by sigma 2. This will be your sigma 2. So sigma 1 by sigma 2, it will be equal to E1 by E2 and L2 by L1. L2 by L1 and E1 by E2. Banega ki nahi? So this will be again one more relation between the stresses which we can directly apply. If lengths I make equal, to purana case hi ban jayega. Yes or no? Yes or no? Good. So this is, sir, plate deform nahi hoga. नहीं, प्लेट डिफॉर्म नहीं होगा. प्लेट को रिजिड प्लेट माना जाएगा. प्लेट खुद ही इतना थिकनेस उसका काम है, उसमें डिफॉर्मेशन का स्टडी क्या करें. हमें यहाँ डिफॉर्मेशन की स्टडी किसकी करनी है? बार्स की, नॉट दी प्लेट. नॉट दी प्लेट, ठीक है. क्लियर ऑल ऑफ यू? दोनों इक्वेशन मिल गई आप लोगों को. तो बार्स इन सीरीज देर आर दीज टू केसेस. पहला केस है कि लेंथ इक्वल होगा और दूसरा केस है लेंथ इक्वल नहीं होगा. सर ये सेकंड फिगर, सेकंड फिगर कौन सा? ये वाला. अरे ये हॉलो शाफ्ट है एक, ये एक हॉलो शाफ्ट है. अरे भाई लो, अब खुश? अब खुश? हॉलो शाफ्ट है ना, देर विल बी होल लाइक दिस. इसको यहां फिक्स कर दिया, यहां से अंदर घुस सकते हो कि नहीं? अब ठीक है. सो यू हैव टू हैव इमेजिनेशन पावर, ठीक है. फिर यहां पर ये शाफ्ट और ये शाफ्ट दोनों को एक ही प्लेट अटैच कर दिया, उस प्लेट को आप पुल कर रहे हैं. अनूप कुमार, प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या? मैं ऐसे एक हॉलो शाफ्ट लूं, एक सॉलिड शाफ्ट लूं, दोनों को अटैच करके एक साथ पुल करूं? प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या है? ये हजारों चीजों में यूज किया जाता होगा, इन दी स्ट्रक्चर एंड मशीन्स, कई जगह लगता होगा. सिंपल है, इट इज नॉट सम इम्पॉसिबल थिंग. इम्पॉसिबल थिंग लग रहा है क्या ये क्या इम्पॉसिबल लग रहा है आप लोगों को? सिंपल सी चीज है, एक ऐसे हॉलो है, ठीक है, और एक उसमें सॉलिड है, ठीक है. इसको यहां फिक्स कर लो, इसको यहां फिक्स कर लो, सिंपल है. चलिए, सो नाउ दिस cases are completed and we now we will start the problems. So problems karne ja rahe hain, to apna calculator pen paper ke sath taiyar ho jaiye. Calculator ke sath taiyar hain sabhi log? Okay, so first problem I am going to take सिंपली फ्रॉम योर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व. ओके, तो प्रॉब्लम इसमें मैं इलोंगेशन ऑफ बार की भी लूंगा, सीरीज की भी लूंगा और पैरेलल की भी लूंगा, ठीक है. तो बेसिक प्रॉब्लम आई एम गोइंग टू टेक फर्स्ट. कह रहा है ए माइल्ड स्टील टेस्ट पीस, ए माइल्ड स्टील टेस्ट पीस was tested in tension, okay, and following readings are obtained, and
रीडिंग्स आपको दी हुई है. पहला डायमीटर ऑफ स्पेसिमेन, डायमीटर कितना दिया हुआ है 20 mm, ठीक है जी. लेंथ ऑफ स्पेसिमेन आपको दिया हुआ है 20 cm. तो ये डाया हो जाएगा इनिशियल, ये लेंथ हो जाएगी इनिशियल. फिर कह रहा है एक्सटेंशन अंडर 30 kN लोड, एक्सटेंशन अंडर 30 kN लोड, 30 kN लोड जब पहुंचा होगा तब एक्सटेंशन हुआ है 0.08 mm. देन लोड एट यील्ड पॉइंट, रीडिंग में आपको मिला है लोड एट यील्ड पॉइंट. यील्ड पॉइंट का लोड क्या है 150 kN. नेक्स्ट मैक्सिमम लोड है 225 kN. लेंथ आफ्टर फ्रैक्चर कितनी है 25 cm. तो ये फाइनल लेंथ होगी. इनिशियल लेंथ ही 20, फ्रैक्चर के बाद हो गई 25, तो 5 cm का क्या हो गया, यील्डिंग हो गई, परमानेंट डिफॉर्मेशन. ठीक है, आपसे कह रहा है कैलकुलेट क्या क्या निकालना है. फर्स्ट पार्ट यंग्स मॉडुलस निकालना है आपको, ई का वैल्यू. सेकंड पार्ट यील्ड पॉइंट स्ट्रेस एट यील्ड पॉइंट. थर्ड पार्ट अल्टीमेट स्ट्रेंथ सिग्मा यूटी निकालनी है. और चौथा परसेंटेज इलोंगेशन ये निकालना है. ठीक है, तो ये इलोंगेशन ऑफ बार का ही क्वेश्चन है. दिस इज फॉर सिंगल बार, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. बिकॉज इफ डेटा इज गिवेन यू हैव टू सिलेक्ट हाउ टू चूज द लोड एंड एरिया एंड स्ट्रेस एंड डिफरेंट वैल्यूज. इसको सॉल्व कर सकते हैं. ओके, स्टार्ट करिए इसको, सॉल्व करो. तो हमें पता है माइल्ड स्टील का जब टेस्ट करते हैं, माइल्ड स्टील के टेस्ट करने में जो हमारा कर्व बनता है वो किस तरीके से बनता है, हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देख चुके हैं. तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व विल बी लाइक दिस, पहले स्ट्रेट जाएगा, फिर यहाँ आएगा प्रोपोर्शनल लिमिट, फिर आएगा इलास्टिक लिमिट, फिर आएगा अपर यील्ड पॉइंट, फिर आएगा लोअर यील्ड पॉइंट, फिर थोड़ी देर फ्लो करेगा विदाउट इंक्रीजिंग द स्ट्रेस, फिर अल्टीमेट पहुँचेगा और फेल हो जाएगा. ये सुनो, तो दीज आर दी पॉइंट्स, वी नो इट वेरी वेल, पहले ही क्लास में कर चुके हैं हम लोग. दिस इज योर पॉइंट ए, प्रोपोर्शनल लिमिट, बी इज इलास्टिक लिमिट, सी इज अपर यील्ड पॉइंट, डी इज लोअर यील्ड पॉइंट, ई स्टार्ट ऑफ स्ट्रेन हार्डनिंग, F is ultimate strength point and G is fracture point. Okay? तो इधर stress रहता है और इधर strain रहता है, क्योंकि हमारे हुक्स ने क्या माना है, stress is proportional to strain. तो देखिए भाई डेटा में क्या क्या दिया हुआ है आपको. सबसे पहले कह रहा है डाया है D, तो इनिशियल एरिया आप कैलकुलेट कर लेंगे पाई बाई 4D स्क्वायर से. इनिशियल लेंथ आपको दिया है 20 cm, ये हो जाएगी 200 mm. एरिया निकाल लोगे mm स्क्वायर में. फिर कह रहा है एक्सटेंशन अंडर 30 kN लोड इज 0.08 mm. इस लोड पर इतना इलोंगेशन है, तो ये लोड देखो यील्ड पॉइंट के लोड से कम है, लोड एट यील्ड पॉइंट ये दिया हुआ है. तो लोड एट यील्ड पॉइंट इतना है, तो 30 kN यील्ड पॉइंट से पहले होगा, 30 kN यील्ड पॉइंट से पहले होगा. तो वो कहीं यहाँ की बात कर रहा है, यहाँ कहीं की. तो P1 लोड होगा,
उस पर स्ट्रेस जो है वो सिग्मा वन रही होगी और स्ट्रेन जो है वो कुछ एप्सिलॉन वन रही होगी, एप्सिलॉन वन विल बी और डेल्टा एल वन बाई एल। ये सुनो, तो कितना दिया हुआ है आपको एक्सटेंशन, एक्सटेंशन दिया हुआ है 0.08 mm। तो होता क्या है एक्सटेंशन का फॉर्मूला, पी एल बाई ए ई, ये होता है ना। तो लोड दिया हुआ है P1, L होगी इनिशियल, एरिया होगा इनिशियल और E आप फाइंड कर लेंगे। बात आई समझ में कि नहीं आई? तो 0.08 इक्वल्स टू P1 का वैल्यू क्या दिया है भाई साहब, 30 किलो न्यूटन। तो P1 की जगह आप लिखेंगे 30 किलो न्यूटन इंटू L कितना हो गया 200 mm अपॉन एरिया कितना हो गया पाई बाई फोर, डाया गया है 20, पाई बाई फोर डी स्क्वायर इंटू ई। तो ई का वैल्यू निकाल लोगे ना यहाँ से, बताइए कितनी आई ई की वैल्यू, 238.7 मिल रहा है कि नहीं, और गीगा पास्कल मिल रहा है कि नहीं। किस किस को ये वैल्यू मिला कमेंट करो। जय हिंद। सौरभ बनर्जी, बेटा मेगा पास्कल है गीगा पास्कल है चेक करो, मेगा पास्कल आ रहा है गीगा पास्कल आ रहा है, चेक करो चेक करो। मैं चेक कर लेता हूं, गीगा पास्कल किसी को मिला? यूट्यूब वाले आप लोग भी बताओ। सॉल्व करो भाई, E will be equal to 30 into 1000 into 200 into 4 equals to divided by pi and divided by 20 square yeah, and फिर होगा divided by 0.08 so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 238। तो हमने ये सब देखो mm में रखा है ना, mm में रखा है ना, यूनिट समझो, यूनिट कैसे होगी, ये mm है ठीक है। तो E आप इस साइड लेके जाओ, हमने इसको न्यूटन में चेंज कर दिया 30 किलो न्यूटन को, तो ये न्यूटन बन गया इंटू ये क्या है mm, mm में चेंज किया ना, एरिया किस में होगा mm स्क्वायर में इंटू ये 0.8 यहां पहुंचेगा तो ये भी mm है समझे ना। तो ये इससे कट गया, ये क्या बना न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो आपको आंसर दरअसल आ रहा है 238732.4 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो इतना ये मेगा पास्कल हुआ ना। तो ये कितना मिला देखो, यूनिट गड़बड़ नहीं करनी है क्योंकि वहां पर आपको सेम यूनिट के दो ऑप्शन मिल सकते हैं ठीक है, वैल्यू डिफरेंट होगी। तो इतना मेगा पास्कल बना क्योंकि आपका न्यूटन पर एमएम स्क्वायर डायरेक्ट क्या बनता है मेगा पास्कल बनता है। तो भाई साहब ये 238.7 गीगा पास्कल नहीं हो जाएगा, बताओ हो जाएगा कि नहीं। तो दिस इज द आंसर। सेकेंड केस करो, सेकेंड पार्ट। तो पहला सॉल्व हो गया, यील्ड पॉइंट का स्ट्रेस बताइए। तो यील्ड पॉइंट का लोड ये है, एरिया पता है, तो यील्ड पॉइंट का स्ट्रेस नहीं मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा, आपको डेटा में से छांटना है। तो यील्ड पॉइंट का लोड है कितना, 150 किलो न्यूटन। तो लोड एट यील्ड पॉइंट अपॉन इनिशियल एरिया, 150 किलो यहाँ आ गया न्यूटन अपॉन एरिया पाई बाई फोर 20 का स्क्वायर, तो ये हो गया एमएम स्क्वायर। अब ये किस में बनेगी यूनिट, मेगा पास्कल में बनेगी, बनेगी कि नहीं। कितनी आ रही है 477.4। किस किस को इतना मिला बोलो बोलो, इतना मिल रहा है कि नहीं? वेरी गुड, मिल गया, वेरी गुड। अगला पॉइंट आओ, दो सॉल्व हो गए अपने। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, अल्टीमेट बताइए।
तो मैक्सिमम लोड इन दी ग्राफ कौन सा होता है? अल्टीमेट लोड होता है, मैक्सिमम लोड। तो ये अल्टीमेट की वैल्यू दे देगा, 225 है ना। तो इस पॉइंट पर लोड मैक्सिमम रहा होगा तो स्ट्रेस भी मैक्सिमम रही होगी, ठीक है। तो योर अल्टीमेट स्ट्रेस विल बी गिवन बाय द पीयूटी ओवर एरिया, कितना आ जा रहा है, 225 10 टू द पावर 3 ओवर एरिया। सो यू विल गेट वैल्यू इन मेगा पास्कल 716.1 मेगा पास्कल, मिल गया जी, वेरी गुड। लास्ट पार्ट है आपका, कहता है क्या, परसेंटेज इलोंगेशन। सो परसेंटेज इलोंगेशन कैसे निकालोगे, तो परसेंटेज इलोंगेशन विल बी योर फाइनल माइनस इनिशियल ओवर इनिशियल इनटू 100, ठीक। तो फाइनल लेंथ कितनी थी भाई साहब, 25 सेंटीमीटर, तो 25 माइनस 20 ओवर 20 इनटू 100 कितना आ गया, 25% एलोंगेशन। सबको क्लियर है ये क्वेश्चन, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है लेकिन अच्छे से लैंग्वेज को समझना है, देन यू कैन फाइंड ऑल द पॉइंट्स, देन यू कैन फाइंड ऑल द पॉइंट्स, ये सोनू। चलिए अब अपन चल रहे हैं बार्स इन सीरीज पर, ठीक है, बार्स इन सीरीज। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम के लिए तैयार हो जाइए, बार्स इन सीरीज। तो पहला प्रॉब्लम मैं ले रहा हूं सीरीज के लिए, जैसे ये दिया हुआ है आपको फिगर बार्स इन सीरीज के लिए, ये तीन बार है, ओके, और ये लेंथ आपको दी हुई है 0.5 मीटर, ये दी हुई है 1 मीटर, ये दी हुई है 0.5 मीटर, ठीक है जी। और लोड इज अप्लाइड हेयर एट दिस सेक्शन 100 किलो न्यूटन, लोड इज अप्लाइड एट दिस सेक्शन लाइक दिस, इट इज 200 किलो न्यूटन, लोड इज अप्लाइड एट दिस सेक्शन राइट साइड 200 किलो न्यूटन, एंड लोड इज अप्लाइड हेयर 100 किलो न्यूटन लेफ्ट साइड, ओके। बाकी आपको क्या दिया हुआ है, कह रहा है क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 100 mm² एवरीवेयर, ई इज इक्वल टू 200 GPa एवरीवेयर, सो फाइंड द डेल्टा एल टोटल, और यू कैन से डेल्टा टोटल, टोटल एलोंगेशन इन दिस बार, टोटल एलोंगेशन इन दिस बार। सॉल्व कर सकते हो कि नहीं बोलिए, चार्जर लगा देता हूं मैं। यस, बनाओ इसको, वेरी गुड वेरी गुड। वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट ई ऑन यील्ड पॉइंट करस्पॉन्डिंग चेंज इन लेंथ, नो आफ्टर द इलास्टिक लिमिट कर्व विल बिकम बेंड, कर्व विल बिकम बेंड। सो ई का एनालिसिस आपको इलास्टिक लिमिट के अंदर ही अंदर करना होता है, डोंट कैलकुलेट ऑन द यील्ड पॉइंट इवन इफ यू आर गेटिंग द सेम आंसर, ठीक है। क्या नाम आपका, रजम, ओके, सॉल्व करिए इसको।
तो इसको तीन पार्ट में मान लेते हैं, लेट से दिस इज बार वन टू एंड थ्री, ऑल थ्री आर इन सीरीज, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या बनाएंगे, एफ बी डी बनाएंगे तीनों का। तो तीनों का एफ बी डी बना लेते हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। तो हाउ मच फोर्सेस यू आर गेटिंग, यहाँ लगाया मान लो मैंने 100, तो इधर भी लगाऊंगा 100, उस 100 को यहाँ से बैलेंस करूँगा, देन दिस 200 विल बी हेयर, है ना, देन दिस 200 विल बी हेयर, 100 यहाँ लगाया, 100 ही इधर रहना चाहिए रेस्ट में लाने के लिए, फिर उसको आपने कैंसिल आउट किया, 200 ये नेक्स्ट वाला इस पे लगा दिया, अब इन दोनों का 200 इधर 100 इधर, सो नेट विल बी ऑन दिस साइड 100। इस 100 को बैलेंस करने के लिए इधर एक और 100 लगा दिया, उसका इक्वल एंड अपोजिट इस पे लगा दिया 100। अब ये वाला 200 इस पे लगाओगे क्योंकि ये तो बैलेंस है, ये चीज़ हम लोग कर चुके हैं पिछले क्लास में, है ना। तो फर्स्ट बार में देखो इधर 100 और इधर 100 मिल रहा है, सो P1 कितना हो गया अपना, प्लस का 100 किलो न्यूटन टेंसाइल। P2 कितना हो गया, माइनस का 100 किलो न्यूटन। और P3 कितना हो गया, प्लस का 100 किलो न्यूटन। तीनों में लोड मिल गया, है ना, तीनों में लोड मिल गया। अब आप फटाफट बना देंगे टोटल डेल्टा एल, हमको पूछा है, तो टोटल डेल्टा एल विल बी नथिंग बट डेल्टा टोटल इक्वल टू डेल्टा L1 प्लस L2 प्लस L3, सो इट विल बी डेल्टा L1 P1 L1 L1 इज 0.5 ओवर A1 एंड E1, E सेम है, प्लस P2 L2 A2 E2 तीसरा 0.5 एंड ए एंड ई। इसमें देखो सभी में आप 1/AE कॉमन ले सकते हैं। P1 कितना है, प्लस 100 किलो न्यूटन, तो उसका किलो भी बाहर निकाल लो तो 100 बचेगा, तो प्लस का 100 इंटू 0.5, फिर माइनस का 100 इंटू 1, फिर प्लस का 100 इंटू 0.5, है ना, ये आ जाएगा। तो ये 0.5 मिल के 1 बन जाएंगे दोनों, तो ये दोनों मिल के इसे कैंसिल कर देंगे, तो टोटल विल बी 0, तो टोटल डेल्टा एल विल बिकम 0, यस और नो, तो 0 इज द आंसर। किस किस को मिला, किस किस को 0 मिला, वेरी गुड, अनु, विवेक, प्रतेश महाजन, करण आर्यन, ओमकार, वेरी गुड, सो मैनी आर गेटिंग 0 आंसर, सो नो चेंज इन टोटल लेंथ, नो चेंज इन टोटल लेंथ। देखो डेल्टा L1 क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डेल्टा L3 क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, लेकिन डेल्टा L2 क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ये नेगेटिव है। तो इन दोनों में जितना इंक्रीज होगा उतना अकेला इसमें डिक्रीज हो जाएगा, इसलिए टोटल जो होगा वो 0 हो जाएगा, टोटल चेंज 0 हो जाएगा। बात समझ आई, गुड, अगला क्वेश्चन किया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बना रहा हूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। कहता है एक स्टेप्ड शाफ्ट है ऐसे बना हुआ है, और इसमें आपको लोड लगा के दिया हुआ है यहाँ पर 10 किलो न्यूटन और यहाँ पर भी 10 किलो न्यूटन, ओके, लेट्स से दिस इज सेक्शन ए, दिस इज सेक्शन बी एंड दिस इज सेक्शन सी, ऐसे दिया हुआ है। डाया आपको दिया हुआ है, इधर का डाया जो है D1 मान लेते हैं इसको 20 सेंटीमीटर, और इसका डाया जो है D2 इसको मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर, डाया आपको दे दिया गया। आपसे पूछ रहा है फाइंड
ratio of the stress in part AB upon BC. AB में stress का ratio BC से find करना है, ठीक है? Your options are 1/1/2, 1/1/2, C, 2 and 1/4. सॉल्व करो इसको फटाफट, सॉल्व करो इसको. फाइंड द रेशियो ऑफ द स्ट्रेसेस इन पार्ट ए बी एंड बी सी. बोलिए. हो जाएगा ना सॉल्व. ए बी पार्ट मतलब यहां से यहां तक, उसको फर्स्ट मान लो चाहे सेकंड मान लो. दरअसल आपको क्या पूछ रहा है, σ1/σ2. एनीवन गेटिंग द करेक्ट वैल्यू? बोलिए बोलिए बोलिए. यूट्यूब सचिंद्र पांडे, वेरी गुड, 0.5, वेरी गुड. तो करेक्ट आंसर इज बी. अनूप ने भी सही बताया. सौरभ बनर्जी, वेरी गुड. रिया दास, आपका भी सही. कई बच्चों ने सही बताया. तो देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ भी फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल डू द एफबीडी पार्ट. एफबीडी बनाएं. एफबीडी के लिए पहले हम टोटल एफबीडी बनाते हैं. क्या बनाते हैं? टोटल एफबीडी. तो टोटल एफबीडी में देखो, इधर 10 लग रहा है, इधर आपका 10 किलो न्यूटन फोर्स लग रहा है, इधर भी 10 किलो न्यूटन. तो यहाँ सपोर्ट से कितना मिला होगा? 20. और सपोर्ट पे कितना लगा होगा? 20. समझ गए इतनी बात? अब दोनों को अलग अलग कर दो. वन और टू को अलग अलग कर दो. जब अलग अलग करेंगे तब फोर्सेस दोनों में कितना कितना आएगा वही तो पहचानना रहता है. फोर्स पता चल जाए बाकी कहानी तो सिंपल होती है. तो यहाँ 10 लगेगा तो इधर भी 10 लगाना पड़ेगा. इस 10 को आप कैंसिल आउट कर दिया आपने. फिर एक और 10 लग रहा है और इधर 20 लग रहा था, तो ये भी बैलेंस हो गया. तो लोड इन 1 कितना आ गया? प्लस का 20. लोड इन 2 कितना आ गया? प्लस का 10. यूनिट क्या है? किलो न्यूटन. ठीक है जी. तो स्ट्रेस इन फर्स्ट पार्ट क्या होगा? P1/A1 अपॉन स्ट्रेस इन सेकेंड क्या होगा? P2/A2. A2 ऊपर चला जाएगा तो P1/P2, तो ये तो जाएगा 20/10 इंटू A1 कितना होगा? π/4. डाया 1 था तुम्हारा 20 का स्क्वायर /A2. तो डायर 2 कितना था? 10 का स्क्वायर. ये कट जाएगा, ठीक है. तो ये 2 आ जाएगा इंटू 10 का स्क्वायर 100 अपॉन 20 का स्क्वायर 400 बनेगा. तो ये आ गया, कैंसिल हो गया. 2/4 मतलब 1/2 आ गया. तो 0.5 इज द आंसर. है ना? मतलब σ2 में स्ट्रेस ज्यादा है. σ2 इक्वल टू 2 times σ1. तो σ2 इज योर एक्चुअली मैक्सिमम स्ट्रेस, σ1 इज मिनिमम स्ट्रेस. तो फेल कौन सा पार्ट होगा पहले? 2 वाला पहले फेल होगा. यस सुनो, समझ गए आप? गुड. इसी क्वेश्चन में अगर आपसे डेल्टा एल पूछ दें तो बता देंगे डेल्टा एल टोटल. फाइंड किया जा सकता है, इजी है, किया जा सकता है. अगला क्वेश्चन ले रहा हूं मैं. अच्छा एक सिंपल क्वेश्चन बताओ जरा, पहले कंसेप्चुअल क्वेश्चन बताइए आप. पहले एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन बताओ. मैंने एक बार बनाया इस तरह, एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन बताओ. इधर ये फिक्स है, ठीक है,
और इस बार में यहां कोई सेक्शन है उस पर मैं लोड लगा देता हूं, पर लोड लगा देता हूं, ठीक है जी। पी ये सेक्शन ए हो गया तुम्हारा, ये सेक्शन बी हो गया तुम्हारा, और ये सेक्शन सी हो गया तुम्हारा। मैं आपसे पूछता हूं व्हाट इज दी, व्हाट इज दी, मान लो ये एल बाई थ्री ले लेता हूं, ये टू एल बाई थ्री ले लेता हूं। डाया जो है वो हर जगह सेम है, डाया इस बार का और यंग्स मॉडुलस ई दिया हुआ है। मैं आपसे पूछता हूं व्हाट इज दी रेशियो ऑफ मिनिमम स्ट्रेस बाई मैक्सिमम स्ट्रेस इन दी बार, कर सकते हो सॉल्व, कंसेप्चुअल क्वेश्चन बताओ। एक ही बार है, उसके एक लेंथ 12/3 पर लोड लगाया है आपने, ऐसे वैल्यू क्या होगी बताइए। कैन यू पीपल सॉल्व दिस प्रॉब्लम, बेसिक प्रॉब्लम जस्ट फॉर योर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। ऑप्शन मान लो आपको दिए हुए हैं, ए 1, बी 0.5, सी 2/3, डी 3/2, ई 0, एफ मान लो बहुत सारे ऑप्शन बना देता हूं जिससे कि आप पकड़ ना पाए, 1/4। बताओ क्या आंसर होगा, देखते हैं कंसेप्ट कितने लोगों के क्लियर है। क्वेश्चन तो बहुत बता दिए, फिर कुछ लोग चिल्लाते भी हो सर जल्दी कराओ जल्दी कराओ, हम तो करा देंगे सब, अभी हम उठें और एक घंटे में 100 क्वेश्चन करा देंगे, लेकिन तुम सीख पाओगे क्या, फायदा क्या होगा? इससे अच्छा तो मैं दूसरे YouTube वीडियो बनाने लग जाऊं ना, कुछ क्या क्या होता है वो तो पता नहीं, वो कैरिमिनाटी एरिमिनाटी क्या क्या होते हैं, वैसे वीडियो बनाने लग जाऊं, एकदम फास्ट होंगे, मजा आएगा। कुछ लोग लिखते रहते हैं सर बोर्ड पे मजा आता है, यार आप मजा लेने आए हो या सीखने आए हो बताओ, इस तरीके की चीजें ना करो। कुछ कहते हैं सर नींद आ रही है, अब पढ़ना नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। जिसे पढ़ना है वो अपना तसल्ली से पढ़ेगा और वो अपना टाइम यूटिलाइज करेगा जिसे समझ पड़ रहा है। बताइए वी कैन यूज शॉर्ट मेथड, हाँ तो इसका आंसर कई लोगों ने बी भी बताया है, कई लोगों ने वन भी बताया है, ए भी बताया है। आई आर एफ इक्वल टू पी सेम होगा, जीरो भी आया है। ओके देखो यहां पर आंसर जो होगा वो जीरो होगा। अब आप लोग चौंक गए होंगे कुछ लोग, जीरो जिस उसने बताया है वेरी गुड, लेकिन एक दो लोगों ने ही बता पाया है। इसका एफबीडी बनाओ भाई साहब, एफबीडी बनाओ, आगे आगे भागने का कोशिश करते हैं कई लोग, बट कंसेप्चुअल मैंने हमेशा मैकेनिक्स में भी मैंने कई बार कहा है कंसेप्ट ऑलवेज लाई इन स्मॉल थिंग्स। ऐसे मैं भयानक सा क्वेश्चन बना दूं अभी बहुत बड़ा सा, मेरे वीडियो के व्यू शायद है कि बहुत ज़्यादा चले जाएंगे, अरे वाह सर ने तो बहुत ही बहुत खतरनाक प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, लेकिन तुमने क्या सीखा, कुछ नहीं। बाद में वैसा ही खतरनाक प्रॉब्लम फिर रख दूं तुम्हारे सामने तो सॉल्व नहीं हो पाएगा पता चले बहुत से बच्चों से, क्यों, क्योंकि कंसेप्ट नहीं सीखा। कंसेप्ट यहां से आता है, छोटे छोटे क्वेश्चन से आता है कंसेप्ट। अब इसमें देखो ये बार को दो पार्ट में, इसको फर्स्ट इसको सेकंड लिख सकता हूं, दोनों का एफबीडी बनाऊंगा मैं, ठीक है। अब जरा बताओ सेकंड में यहां पर कोई लोड लग रहा है क्या, नो लोड, तो यहां पर कोई लोड लगाना पड़ेगा क्या, नो लोड, एंड इट विल बी इन रेस्ट, कोई समस्या ही नहीं। ये वाला लोड किस पे लगाओगे, इस पे लग रहा है पी,
जब मैं यहां से पकड़ के खींचूंगा तो बस इतने पार्ट में ही तो एलोंगेशन होगा, इतने पार्ट का तो ट्रांसलेशन होगा, होगा कि नहीं होगा? अज्यूम करो ये रबर का बना हुआ है, इमेजिन करो ये रबर का बना हुआ है, यहां से पकड़ के खींचा ऐसे बाहर है, मैं यहां से पकड़ के खींचूंगा तो ये फर्स्ट पार्ट में ही तो एलोंगेशन होगा, बस सेकंड पार्ट में तो ट्रांसलेशन होगा, उसमें कोई फोर्स नहीं है। ये पी यहां लगा, ये पी यहां लगा, उतना ही पी सपोर्ट पे लग जाएगा, लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? अब कईयों ने रट रखा होगा कि सीरीज में जी फोर्स जी सेम होता है जी, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको क्वेश्चन समझना चाहिए, कोई जी रटनी नहीं है। यहां देखो पहले बार में कितना आ गया, प्लस पी लोड आ गया, दूसरे बार में क्या आया, कुछ नहीं आया, जीरो आया, तो इसमें स्ट्रेस क्या होगा, सिग्मा टू जीरो होगा, यही मिनिमम स्ट्रेस बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी, और ये मैक्सिमम स्ट्रेस बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी, पी वाई ए बताओ होगा कि नहीं होगा? तो मैंने मिनिमम बाई मैक्सिमम रेशियो पूछा है, फट से जीरो हो जाएगा, चाहे मैं मुझे 50 ऑप्शन दे रखे हो, 50 ऑप्शन दे रखे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। गेटिंग पॉइंट और नॉट, इट विल बी 0 0 0। सो कंसेप्ट्स को समझना बहुत जरूरी है, भागने से कुछ नहीं होगा। और मैकेनिक्स में बता चुका हूं, अगर आप पढ़ाई स्लो करोगे तो आप भूलोगे कम। अभी मैं आगे ये वो दिस एंड डेट सब यहाँ अभी कोहराम मचा के रख दूं, हो सकता है वीडियो के व्यू बहुत अच्छे चले जाएंगे, मेरा फायदा हो जाएगा तुम्हारा फायदा नहीं हो पाएगा ना, तो वो ऐसा काम नहीं करना है। आराम से पढ़िए, तसल्ली से पढ़िए, भले ही 2 क्वेश्चन लगाओ, अच्छे से लगाओ, वो समझ लो पूरे तरीके से। 50 क्वेश्चन लगा लिए, समझा कुछ नहीं, कोई फायदा नहीं। चलो जी अब वापस आओ, अपना क्वेश्चंस जैसे लगाते थे उस तरीके के क्वेश्चंस पे आओ। तो मैं एक और प्रॉब्लम दे रहा हूँ जिसमें दोनों साइड फिक्स कर दूंगा बार को, ठीक है, दोनों साइड बार को फिक्स कर दूंगा। लेट्स से दिस इज द बार, दोनों साइड फिक्स है और लोड इज अप्लाइड एट मैनी सेक्शन, एक पी एक 2P, यहां पर पी लोड लगा दिया, यहां पर 2P लोड लगा दिया, ठीक है जी, इस पर पी लोड लगा हुआ है ऐसे, और इस पर 2P लोड लगा हुआ है वो भी इस डायरेक्शन, ठीक है। सेक्शन मान दिया ये ए, ये बी, ये सी और ये डी सेक्शन, लेंथ जो है वो इक्वल दे दी तीनों की, एल एल एंड एल, और क्या दिया हुआ है साथ में आपको दिया हुआ है कि इफ पी इज इक्वल्स टू 30 kN, एरिया ए एवरीवेयर सेम 5 cm², देन फाइंड मैक्सिमम स्ट्रेस इन दी बार, देन फाइंड मैक्सिमम स्ट्रेस इन दी बार। कर सकते हो सॉल्व या नहीं बताओ, सॉल्व किया जा सकता है बेटा, बार्स इन सीरीज वाला केस बनेगा, बोथ एंड फिक्स वाला केस बनेगा, लोड अप्लाइड एट मल्टी और मैनी सेक्शन वाला केस बनेगा, यस। तो पहला काम क्या करेंगे सॉल्यूशन में, जो हमारे फिक्स सपोर्ट हैं नेट लोड के अपोजिट उस पर रिएक्शन बना देंगे, पी इधर है 2P इधर है, सो नेट लोड पूरा का पूरा राइट साइड है, तो यहाँ रिएक्शन किधर आएगा RD लेफ्ट में, यहाँ भी रिएक्शन किधर आएगा RA लेफ्ट में। तो पहला इक्वेशन क्या बनाते थे, RA प्लस RD इक्वल टू नेट लोड, नेट लोड कितना हो गया 3P, पहली इक्वेशन बन गई है ना, पहली इक्वेशन बन गई। अभी 1 2 3 पार्ट हैं, ये तीनों पार्ट का FBD बनाओ, चलो खुद से बनाओ पहले FBD, देखते हैं कितने लोग सही बनाते हैं, खुद से FBD बनाइए, चेक करिए, खुद से FBD बनाइए तीनों पार्ट का और चेक करिए कितना कितना लोड आ रहा है, राइट साइड से शुरू कर दो, चलो बनाओ राइट साइड से RD, इधर भी लगाऊंगा मैं RD,
उसके बाद ये तो रेस्ट में हो गया, इक्वल एंड अपोजिट आर डी इस पर लगा दूंगा, अगला फोर्स जो है 2P वो यहाँ लगा दूंगा, डंप कर दें इस पर, तो इधर भी बैलेंस कर देता हूँ इस वाले को, इधर आ रहे इधर आ रहे, इक्वल एंड अपोजिट आ रही है इस पर आ जाएगा, अगला लोड जो है वो हम इस पर लगाते हैं। ये सुनो, अभी ये समझ में नहीं आ रहा है कि टेंशन में या कंप्रेशन में, तो अच्छा होता है अगर हम टेंशन में मान लें, तो ये टेंशन में मानेंगे तो ये वाला बड़ा होना चाहिए, दिस विल बी आर ए माइनस पी, दिस विल बी 2P माइनस आर डी, 2P माइनस आर डी, ये बड़ा होना चाहिए। तो लोड निकालने की पहली बात हो तो होती है, तो पहले पार्ट में लोड क्या आ जाएगा, प्लस का आर ए टेंसाइल, तीसरे में फोर्स क्या आ जाएगा, माइनस का आर डी कंप्रेसिव, और दूसरे में लोड क्या आ रहा है, पी टू, प्लस का, या तो ये लिखूं आर ए माइनस पी टेंशन में है, या ये लिखूं प्लस का 2P माइनस आर डी, अगर ये बैलेंस है तीसरा वाला और ये बैलेंस है पहला वाला, तो दूसरा भी बैलेंस होगा, मतलब आर ए माइनस पी शुड बी इक्वल टू 2P माइनस आर डी, आर डी को इधर ले आओ, पी को इधर ले जाओ, तो आर ए प्लस आर डी फिर से 3P बन जाएगा कि नहीं, तो भाई साहब फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन सेम हो गई कि नहीं, वही इक्वेशन मिलेगी जो आपने पहले बनाई। ठीक, अब एरिया तीनों का सेम है, जिसमें लोड ज़्यादा होगा उसी में स्ट्रेस ज़्यादा हो जाएगा, तो सबसे ज़्यादा किसमें लोड मिल रहा है अभी आप पहचान ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आर ए आर डी मिले हैं, अभी लोड मिले ही नहीं है आपको, तो अब आप इसमें दूसरा इक्वेशन लगाते थे क्या, टोटल डेल्टा विल बी इक्वल टू जीरो, सो डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू प्लस डेल्टा थ्री शुड बी जीरो, डेल्टा वन क्या होगा, पी एल बाई ए ई, पी एल बाई ए ई, ए और ई सेम है, लेंथ भी सेम है तीनों पार्ट की, ए ई, तो ये सब कैंसिल हो जाएंगे, लेंथ भी कैंसिल हो जाएगा, पी वन कितना है, प्लस आर ए, प्लस आर ए, प्लस पी टू कितना है, तो आर ए वाला लिख देता हूँ मैं, प्लस आर ए माइनस पी, आर ए माइनस पी, प्लस पी थ्री कितना है भाई साहब, पी थ्री, ये माइनस आर डी है, माइनस आर डी, माइनस आर डी इक्वल टू जीरो, आर डी को इन टर्म्स ऑफ आर ए भी लिख सकते हैं, तो ये पहले तो बन जाएगा 2RA माइनस पी माइनस आर डी इक्वल टू जीरो, आर डी फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन, ये हो जाएगा 3P माइनस आर ए, 3P माइनस आर ए, लिखा जाएगा, इसको सॉल्व कर दो, 2RA माइनस पी माइनस 3P प्लस आर ए, ब्रैकेट खोल दो, ये हो गया 3RA माइनस 4P इक्वल टू जीरो, आर ए कितना आ गया बेटा, आर ए की वैल्यू कितनी आ गई, आर ए हो जाएगा 4P/3, ओके, आर डी भी निकाल दो यहाँ से, आर डी हो जाएगा 3P माइनस आर ए, सो 3P माइनस आर ए, तो 3 3 9 - 4 तो आ गया 5P/3, अभी कैलकुलेट करो P1 P2 P3, तो P1 कितना होगा, प्लस का आर ए, सो प्लस का 4P/3, P2 है आपका आर ए माइनस पी, तो दिस माइनस पी, माइनस पी, तो 4P में से 3P गया, तो ये P/3 बचेगा, और P3 ये कितना है, माइनस का आर डी, तो माइनस का 5P/3, तो मैक्सिमम फोर्स कौन सा है, मैक्सिमम फोर्स हम मैग्नीट्यूड देखेंगे, दिस इज द मैक्सिमम फोर्स,
मैक्सिमम फोर्स है कि नहीं, दिस इज योर मिनिमम फोर्स, ठीक है। तो मैक्सिमम स्ट्रेस क्या होगी, 5 py 3 अपॉन एरिया, योर मैक्सिमम स्ट्रेस विल बिकम, इट विल बी कंप्रेसिव, 5 py 3 अपॉन एरिया। तो p का वैल्यू आपको दिया था क्वेश्चन में कितना था, 30 kN, 30 kN अपॉन एरिया दिया था 5 cm², तो 5 cm को क्या लिख सकते हो, 10 mm, सो 10 का स्क्वायर हो जाएगा मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक। तो ये 2 से ये 1 चला जाएगा, इससे ये चला जाएगा 10 बार, और 10 और 10 ये 5 से 5 गया, तो -10 × 10 तो -100 MPa बन जाएगा कि नहीं, न्यूटन पर mm² क्या होता है, मेगा पास्कल। तो मैक्सिमम स्ट्रेस इन दी बार इज 100 MPa कंप्रेसिव। सभी को क्लियर हुआ कि नहीं बोलो, दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, बताइए बताइए। हाँ भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, तो समझ पड़ गया, तो जैन लिख दो फटाफट। ओके, वेरी गुड। Good. So this is how you will solve when bars will be in series. ठीक है, अभी एक क्वेश्चन कर रहा हूं मैं जिसमें बार्स आपको पैरेलल में दे देते हैं, ठीक है, बार्स इन पैरेलल की बात कर लेते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन पूछता है हमेशा जो शॉर्ट होता है, बहुत ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछता है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, टू बार्स ऑफ आइडेंटिकल मटेरियल, टू वायर्स ऑफ आइडेंटिकल मटेरियल, सेम मटेरियल विद लेंथ्स आपको दी हुई है कितना कितना, L1 = 3 meter and L2 = 6 meter are holding a platform, which remains in horizontal, horizontal, okay, find the ratio, stresses σ1/σ2 if both have same cross sectional area, cross sectional area, ठीक है, weight of platform is, W, capital W, फिगर आपको उन्होंने दिया हुआ है, ये एक प्लेटफॉर्म है, इसमें 2 वायर है, पहले का लेंथ 3 meter, दूसरे का लेंथ 6 meter, ये वायर जो है ये इस प्लेटफॉर्म को संभाले हुए हैं, दिस वायर्स आर होल्डिंग दिस प्लेटफॉर्म इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन लाइक दिस। इसका लेंथ दिया हुआ है L1 3 meter, ये फर्स्ट वायर हो गया, सेकेंड वायर लेंथ इज योर 6 meter, क्लियर।
somewhere in the platform, the weight will be acting like this. Its weight W will be acting like this. Yes or no? सॉल्व कर सकते हैं क्या बताइए? ये बार्स इन पैरेलल वाला केस बन गया, बार्स इन पैरेलल वाला केस बन गया. ऑप्शन दे देता हूं आपको कुछ, वन एंड टू एंड वन बाई टू एंड फोर, दीज आर दी ऑप्शन. तो आप पहले देखेंगे कि ये क्या है, बार्स इन पैरेलल, पैरेलल. दूसरा देखेंगे पैरेलल में दो केस थे, सो लेंथ्स आर नॉट इक्वल, लेंथ्स आर नॉट इक्वल. तो स्ट्रेस का रेशियो मैंने दोनों में आपको लिखाया था अलग से, जो इक्वेशन बनाई थी, है ना. तो व्हेन लेंथ्स आर नॉट इक्वल देन सिग्मा वन बाई टू आपको लिखाया था मैंने, एल टू बाई एल वन इंटू ई वन बाई टू लिखाया था. कह रहा है आइडेंटिकल मटेरियल है तो ये कैंसिल हो जाएगा, सीधा सीधा लेंथ 6y3 बनेगा कि नहीं. तो बहुत लंबी चौड़ी कैलकुलेशन इसमें कुछ नहीं करनी है, डायरेक्टली आपको ये वैल्यू आ जाएगा आंसर. सो टू इज द आंसर, टू इज द आंसर. क्लियर है? गुड. अभी इसी क्वेश्चन में मैं कुछ और डेटा दे देता हूं आपको, कुछ और डेटा दे देता हूं आपको. मान लीजिए मैं आपको दे रहा हूं इन सेम प्रॉब्लम इफ डब्ल्यू जो है दैट इज 100 किलो न्यूटन, ई1 जो है दैट इज 50 गीगा पास्कल, E2 जो है दैट इज 60 गीगा पास्कल, ओके, एंड एरिया ऑफ बोथ दी बार्स इज लेट से 50 mm square, ठीक है. देन फाइंड stresses in both the bars, then find stresses in both the bars. बताइए दोनों बार में कितना कितना स्ट्रेस आएगा, ठीक है. तो मैंने ये क्वेश्चन फ्रेम किया, मैंने मैकेनिक्स में भी आपको बताया क्वेश्चन फ्रेम करना इज नॉट ईजी, सारी चीजें वैलिड भी होनी चाहिए. चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं कि अगर इस तरीके से चेंजेस हैं तो what will happen with the bars और wires. ठीक, सॉल्व कर सकते हैं इसको. उसमें पहला इक्वेशन बनेगा क्या, P1 एंड P2, पहले वायर में मान लो P1 लोड आएगा, ये P1 संभालेगा, ये P2 संभालेगा. सो P1 P2 शुड बी इक्वल टू W फॉर द प्लेट, W इज योर 100 किलो न्यूटन, एक इक्वेशन आ जाएगा. दूसरी इक्वेशन P1 P2 में क्या बनती थी याद है, फॉर डिफरेंट लेंथ P1 बाई P2 इक्वल टू था A1 बाई A2 इक्वल्स टू था L2 बाई L1 इंटू E1 बाई E2, E1 बाई E2, ठीक है. सो हेयर E1 E2 आर गिवन टू यू, सो यू कैन सिंपली पुट द वैल्यूज. एरिया दोनों का सेम है तो ये कैंसल्ड आउट हो गया. L2 6 है, L1 3 है, E1 50 है और E2 60 है, ठीक है ना. इसको सॉल्व कर दो तो इससे ये गया, इससे ये गया, 5/3 आ गया. तो ये कितना बन जाएगा, 1.66 सेकेंड इक्वेशन. तो P1 इक्वल टू 1.66 टाइम P2, ये बनेगी दरअसल सेकंड इक्वेशन. इसको इसमें पुट कर दूं तो ये हो जाएगा 2.66
P2 from 1 equal to 100 into 10 to power 3. So P2 will become how much? Plus 1 and 100 1, 2, 3 divided by answer 37,500. 37.5 किलो न्यूटन बन जाएगा. P1 कितना हो जाएगा इनटू 1.66 62.25 किलो न्यूटन मिल गए दोनों हमारे फोर्सेस दोनों वायर में मिल गए. एरिया सेम है 50, तो पहले की स्ट्रेस और दूसरे की स्ट्रेस दोनों फाइंड कर लोगे ना. सो नाउ यू विल फाइंड दी स्ट्रेसेस. सिग्मा 1 विल बी P1 अपॉन एरिया, सो डिवाइड बाय 50, इट विल बी 1245 मेगापास्कल. इतना बन रहा है कि नहीं बताओ. बहुत हाई स्ट्रेसेस हो गई, कोई बात नहीं, इस पर तो फेल कर जाएगा. लेकिन हम लोगों ने क्वेश्चन बनाया है ना, बस कंसेप्ट समझ रहे हैं, वो ऐसे आएगा. तो P2 विल बी व्हाट 37.5 इंटू 1, 2, 3 डिवाइडेड बाय 50, 750 मेगा पास्कल. बनेगा कि नहीं बनेगा? दोनों में स्ट्रेसेस आ गई. क्लियर है? ठीक है. और सिंपल वाला अगर केस रहता कि दोनों वायर की लेंथ सेम है, तो अगर लेंथ सेम होती तो यहाँ रेशियो 1 हो जाता, एरिया डिफरेंट दिया जाता तो वो वैल्यू ले लेते. अल्टीमेटली हमारी दो इक्वेशन बनेंगी लोड के लिए, और दो अननोन होंगे दोनों ही केस में, चाहे एल इक्वल हो या एल इक्वल ना. जैसे ही हमें दोनों में लोड आ जाता है तो सीरीज हो या पैरल, लोड मिलते ही नाउ यू कैन फाइंड इंडिविजुअली एवरीथिंग इन दी वायर्स और बार्स. क्लियर है सभी को? तो ये हो गई आज अपनी क्लास, तो मैं यहीं तक रख रहा हूँ. बाकी हम लोग फिर मिलेंगे कल सेम टाइम पर. इसी तरह आप लोग पढ़ते रहिए, है ना. और जो लोग ज्वाइन करना चाह रहे हैं, जिन्हें अपना सिलेबस टाइमली कंप्लीट करना है, सो दे कैन स्टार्ट ऑन टाइम. वो अपना टाइमली स्टार्ट कर दीजिए. अभी भी आपके पास 21 के लिए काफ़ी टाइम है, 2021 के लिए, क्योंकि जो भी गेट होगा या ESE होगा उसके लिए जहाँ तक है एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड ही होंगे ड्यू टू कोरोना. अभी भी आपके पास लगभग एक साल है, ठीक है. और जब भी आप सब्सक्राइब करेंगे सो MR लाइव कोड के साथ करेंगे, सो दैट यू विल बी इन माय पर्सनल गाइडेंस. सो गेट और ESE हमारा टारगेट है. सब्सक्रिप्शन आप लोग ले सकते हैं एज सून एज पॉसिबल. आपको लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होता है, एंड दिस गेट एंड ESE यहाँ सेलेक्ट करके यहाँ पर आप मेरा नाम सर्च करेंगे मुदित राज, तो मेरे प्रोफाइल पर पहुँच जाएंगे. और 1 ईयर का जो फीस है वो 25,000 रखा गया है सिर्फ. आप कोड यूज़ करेंगे तो इतना बचेगा. 1 ईयर कोर्स इज़ गुड फॉर 4th ईयर स्टूडेंट, पास आउट एंड वर्किंग कैंडिडेट्स, पार्ट टाइम जॉब या फुल टाइम जो भी आप लोग कर रहे हैं. 2 ईयर प्रोग्राम इज द बेस्ट फॉर 3rd ईयर एंड 2nd ईयर स्टूडेंट. 3rd ईयर इज़ द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट, ठीक है. अगर आपका 5th सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला है तो दिस इज द गोल्डन टाइम टू स्टार्ट द प्रिपरेशन, सो दैट आपको फाइनल ईयर के बाद एक साल ईयर गैप ना लेना पड़े अपना प्रिपरेशन करने के लिए, ठीक है. तो 5th एंड 6th सेमेस्टर में आप लोग अपना कंप्लीट कर लीजिए तैयारी. 7th में सिर्फ रिवीजन, डाउट, टेस्ट सीरीज, एवरीथिंग ये हमारे साथ करते रहिए, और सारे प्रैक्टिस सेशन एवरीथिंग विल बी अवेलेबल टू यू. और 8th सेमेस्टर में जाके आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है. MR लाइव कोड के साथ आप सब्सक्राइब करेंगे, इसमें भी फीस इतनी. तो एक साल और 2 साल की फ़ी में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है. 2 साल में आपको बल्कि ज़्यादा बेनिफिट है, आप अपना बिना ईयर गैप के कर जाते हैं. ओके, तो दिस आर दी कोर्सेस.
अच्छा, कई स्टूडेंट पूछते हैं बार बार, मैं कई बार बता चुका हूँ, ये जो मैकेनिक्स के कोर्सेज हैं उस समय गेट और ईएससी दोनों अलग अलग सब्सक्रिप्शन हुआ करता था, इसलिए दो कोर्स कराए थे। दोनों में मैंने सिलेबस सेम कराया था, गेट और ईएससी, क्योंकि ये बेसिक सब्जेक्ट है, इसमें कुछ भी कम ज़्यादा रखा नहीं था। वाह, फिर भी गेट वाला ये फॉलो करो, दिस इज़ फॉर। तो सारे कोर्सेज जो हैं मेरे, जो भी मैं सब्जेक्ट आपको करा रहा हूँ, ऑल कोर्सेज आर फॉर गेट एंड ईएससी बोथ। ऑल कोर्सेज आर फॉर गेट एंड ईएससी बोथ, ठीक है ना? सारे कोर्सेज, चाहे वो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हो, चाहे वो टोम हो, चाहे वो सोम हो, या अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे मशीन डिज़ाइन। मशीन डिज़ाइन मैं 1 जुलाई से स्टार्ट कर दूंगा, और उसके बाद हम लोग फ्लूड मैकेनिक्स करेंगे। फ्लूड मैकेनिक्स मैं 1 जुलाई अगस्त से स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है? तो दिस सब्जेक्ट्स यू विल बी लर्निंग लाइक दिस। ये मैं पेड क्लासेस की बात कर रहा हूँ, ये पेड क्लासेस, बाकी यूट्यूब पे तो हम लोग स्लोली स्लोली जो हमने जितना टाइम मिलता है उस हिसाब से चलाते रहेंगे धीरे धीरे। यू कैन लर्न मैनी कंसेप्ट्स, ठीक है? तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाह रहे हैं, दे कैन गिव मी मैसेज ऑन दिस व्हाट्सएप नंबर। आप व्हाट्सएप पर ही मुझे मैसेज करें, ठीक है? और एक ही सेम चीज़ या डाउट कई जगह ना सेंड करें, कुछ स्टूडेंट यहाँ भी भेज देते हैं, यहाँ भी भेज देते हैं, फेसबुक पे भी। फेसबुक पे कोई पढ़ने पढ़ाने का मतलब नहीं है, ये तो बस आप, हम और आप कनेक्ट रहेंगे बस, ठीक है? जो पढ़ाई है वो इस, ये नंबर आप लोगों के लिए ही मैंने रखा हुआ है सारे स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है? तो आप और कहीं पर मुझे डाउट ना सेंड करें, एक ही जगह बस यहाँ पर कनेक्टेड रहें। आई विल, और ये टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। दिस इज़ चैनल, दिस इज़ नॉट ग्रुप, दिस इज़ चैनल। तो इसमें बस मेरी तरफ से जो भी जाता है अनाउंसमेंट क्लास का या जो भी, वो मैं डालता रहता हूँ इस पे टाइम टू टाइम। वट एवर आई हैव, इफ़ फ्यू क्वेश्चन आई हैव, एवरी थिंग आई यूज टू शेयर ऑन दिस। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। ओके, यूट्यूब, हाँ मैं थर्मल आई विल ट्राई टू टेक, बट मैं पहले ये पहले डिज़ाइन के सब्जेक्ट मैं कंप्लीट करूँगा, उसी के बाद ही थर्मल का डिसीजन होगा। आई विल ट्राई टू टेक ऑल दी सब्जेक्ट्स। ओके, सी यू देन। जय हिंद, जय भारत। सर, एनी सजेशन फॉर एप्टीट्यूड प्रिपरेशन? चलो कल बताता हूँ आपको।